हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी मेरी एकदम फेवरेट वाली है, जो मुझे मेरे हाथों की बनी हुई बहुत ही टेस्टी लगती है। पाव भाजी सभी को बहुत पसंद है, तो चलिए एक बार बनाइए इस स्टाइल में जैसे मैं बनाती हूँ। लगता है बहुत ही टेस्टी, एकदम स्ट्रीट वाला टेस्ट आता ही है। तो चलिए बना के खाते हैं, देखते हैं झटपट से इसकी क्या है रेसिपी, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डाल देंगे 6 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल यानी कि रिफाइन ऑयल। आप चाहे तो बटर और वेजिटेबल ऑयल यानी कि रिफाइन ऑयल मिक्स करके भी बना सकते हैं, या फिर सिर्फ बटर में भी बना लीजिए, पर मैं बना रही हूँ वेजिटेबल ऑयल में। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया, उसमें 6 to 7 ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची मैंने चॉप करके छौंक लगा दिया है। जैसे ही ये थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट होगा, नेक्स्ट अब इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे मैंने घर में फ्रेश ग्राइंडर में ग्राइंड करके बनाया है। फ्रेश डालेंगे तो उसका स्वाद ही अलग आता है। 1 इंच लिया है मैंने अदरक, और 6 to 7 क्लोव लिया है मैंने गार्लिक के, बस इतना इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसे भी भून करके जब ये हल्का सा कलर चेंज करना स्टार्ट हो, तो तभी हम डाल देंगे 3 बड़े चॉप किए हुए अनियंस यानी कि प्याज। इसे डाल करके इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। जब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही गोल्डन होना स्टार्ट होगा, तब हम ऐड करेंगे ये वेजिस। ये मैंने चॉप करके गाजर, बीन्स, और लिया है ग्रीन पीस यानी कि हरे मटर, ये फ्रोजन वाले हैं। नेक्स्ट लिया है मैंने फूल गोभी, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। जो चॉपर होता है ना, उसमें डाल करके आराम से चॉप हो जाता है, 2 मिनट में होता है सिर्फ। तो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत मेहनत किया है, तो बिल्कुल नहीं, सारे वेजिस 2-2 मिनट में चॉप आराम से हो गया है। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है फूल गोभी जो मैंने चॉप करके रखे हैं छोटे छोटे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम डाल देंगे चॉप किए हुए गाजर। अगर चॉपर नहीं है तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगता है, तो आप ग्राइंडर में डाल करके बस 1 या 2 बार जस्ट चलाइए और ये ग्राइंड छोटे छोटे हो जाते हैं। तो बस बहुत ईजी है, देखने में लगता है कि बहुत मेहनत लगने वाला है, पर ऐसा नहीं है, बहुत इजी है इन सबको चॉप करना। लेकिन स्वाद जो आएगा ना, वो बहुत बढ़िया आएगा, जो बॉयल करके बनाते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छा ये वाला लगता है। अब 2 मिनट इसे भुनने के बाद, नेक्स्ट अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और जो बीन्स हमने चॉप करके रखे थे हरे वाले, वो भी इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद इन सबको फिर से एक और बार मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसे हम ढक करके लगभग 5 से 7 मिनट आराम से कुक होने देते हैं लो फ्लेम पे, ताकि सब्जियां जल्दी से मेल्ट हो जाए यानी कि गल जाए। अब लगभग 7 मिनट बाद सब्जियां देखिए इस तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। जलने नहीं दीजिएगा, बीच बीच में जरूरत पड़े तो आप चलाते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे 4 चॉप किए हुए टमाटर और 1/2 बीटरूट यानी कि चुकंदर। इसे मैंने आलू के साथ ही बॉईल कर लिया था और कद्दूकस कर लिया है। इन सबको डालने के बाद, नेक्स्ट टमाटर डालने के बाद, आप सबको पता है कि मैं क्या डालती हूँ, शायद आप लोग भी डाल रहे होंगे, हाँ नमक डालेंगे ताकि टमाटर फटाफट से मेल्ट हो जाए। तो अब इन सबको हम मिला देंगे। बीटरूट यानी कि चुकंदर मैंने क्यों डाला है, इससे जो भाजी का जो कलर है ना, बहुत अच्छा आता है, हेल्दी भी है, और हमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी नहीं ऐड करना पड़ता है। तो इसे अब हम ढक करके 10 मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे, और बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा कि कहीं नीचे से ये लगे या जले नहीं। तो जब इस तरीके से टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें हम डाल देंगे ग्रीन पीस यानी कि हरे मटर। मेरे पास फ्रोजन वाले हैं, क्योंकि पता ही है मैं कहाँ पे रह रही हूँ, बुडापेस्ट में, तो यहाँ फ्रेश मटर नहीं मिलते हैं। अब नेक्स्ट मैंने डाल दिया 1.5 बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला, जो भी आपको पाव भाजी मसाला है पसंद है आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्ची। तीखा आपको जिस हिसाब से पसंद है, आप वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डाली है। अब इन सबको मिला के 5 मिनट के लिए मसालों को हम ढक करके भून लेंगे अच्छे से। अब 5 मिनट बाद भाजी को अच्छे से चला लेंगे यानी कि मिला लेंगे। नेक्स्ट अब इसमें हम डालेंगे बॉयल किए हुए पोटैटो। इसे मैंने छील करके मैश करके रख लिया था। ये है 5 मीडियम साइज के आलू यानी कि पोटैटो, और बीटरूट जो मैंने डाला था वो भी आलू के साथ ही 1/2 मैंने बॉईल कर लिया था। तो एकदम इजी है। तो इन सबको डाल करके अच्छे से हम मिला लेंगे, और आलू को भी लगभग 6 मिनट तक चलाते हुए इसी तरीके से हम भून लेंगे। अब सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी हैं, तो अब 1 ग्लास के बैक साइड से
इसे हम अच्छे से प्रेस करते हुए सबको मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथ बिल्कुल भी नहीं जलता है, आराम से हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें मैंने डाल दिया है 2 कटोरी पानी। तो पानी आप उतना डालिएगा जितना थिक आपको भाजी पसंद है। तो देखिए 2 कटोरी पानी डालने के बाद भाजी इस तरीके से दिख रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत पतला नहीं करिएगा, बहुत पतला भाजी अच्छा नहीं लगता है। इसे हम लगभग 5 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे बटर और ढेर सारा हरा धनिया फाइन चॉप करके। इसे डाल करके मिला करके 5 मिनट तक पकाने के बाद भाजी है एकदम रेडी। मैंने ये भाजी बनाई है लगभग 6 से 7 जन के लिए। इसे 6 से 7 जन बड़े आराम से खा सकते हैं पेट भर के। तो चलिए अब नेक्स्ट हम तैयारी करते हैं पाव की। तो जो भी आपको पाव पसंद है आप वो ले लीजिए, मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने ये वाला ले लिया है। तो बस इसे लेकर के कुछ नहीं करना है, बस बीच से कट कर लेना है। और अब नेक्स्ट कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसे सेकने के लिए। तो मैंने लिया है, फर्स्ट लिया है मैंने बटर, नेक्स्ट लिया मैंने पाव भाजी मसाला और चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम तवा यानी कि जिस भी पैन में आपको सेकना है उसे रख दीजिए आप गर्म होने के लिए। और ब्रेड लेंगे यानी कि पाव लेकर सबसे पहले उसमें पाव भाजी मसाला लगाएंगे और धनिया लगाएंगे और नेक्स्ट उसके ऊपर रख देंगे बटर। और इसे मैं इस तरीके से उल्टा करके ऐसे घुमाते हुए बटर चारों तरफ ब्रेड में लग जाए इसलिए मैं इसे उठा उठा करके इस तरीके से लगा रही हूँ। इसी तरीके से सभी ब्रेड को सेक लीजिए। बटर अगर रूम टेम्परेचर पे रहता है ना तो अच्छे से स्प्रेड करते बनता है। मैं फ्रिज में ही भूल गई थी तो इसलिए मैंने क्यूब्स में कट करके इसे लगा लिया है। अगर क्यूब्स में है तो इसी तरीके से लगाइए, अगर रूम टेम्परेचर पे है तो अच्छे से ब्रेड पे स्प्रेड कर दीजिए। बटर जो है आप अपने श्रद्धा के हिसाब से डालिए जितना आपको खाना पसंद है। मैंने एक ठीक क्वांटिटी में लगाया है जिससे स्वाद भी अच्छा आए और नेक्स्ट टाइम भी फटाफट से खाने का मन करे। तो ओवरलोडेड बटर का मैंने नहीं किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा बटर कर सकते हैं डेफिनेटली। और मैंने ये बनाया था मेरे फ्रेंड्स और उनके मम्मी पापा के लिए, उन्हें बहुत पसंद आया था। तो चलिए अब आगे, ब्रेड भी हो चुका है सेक करके डन, तो हम करते हैं इसे गर्मा गर्म सर्व। पाव भाजी गर्म गर्म ही खाने का मजा है, तब ब्रेड क्या होता है ना सॉफ्ट होता है और बाद में ठंडा हो जाने के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो कोई भी खाना गर्मा गर्म खाएं तभी ज्यादा मजा आता है। तो चलिए अब झटपट से गर्मा गर्म पाव भाजी हम करते हैं सर्व। भाजी बहुत ही टेस्टी बनी है और इसकी थिकनेस इसी तरीके से रखिएगा, ऐसे ही भाजी अच्छा लगता है पाव के साथ। खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। इसे हम सर्व करेंगे फाइन चॉप किए हुए प्याज यानी कि अनियन से, हरी मिर्ची अगर आपको पसंद है तो, नींबू यानी कि लेमन तो इसका जान है, लेमन तो होना ही चाहिए, और सजा देंगे छोटे छोटे प्याज से और बटर। नेक्स्ट डाल देंगे हरा धनिया और तैयार है पाव भाजी की प्लेट। तो मेरे इस स्टाइल में पाव भाजी जरूर बना के खाइए, बना है एकदम स्ट्रीट स्टाइल, टेस्ट एकदम बढ़िया वाला आ रहा है। अगर आपने मुंबई में खाया है पाव भाजी तो हाँ ये उसी टक्कर का बना है। और लास्ट में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फ्रेंड्स जा करके जरूर फॉलो करिए।